सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल नए तरीके से, ये देखिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, चार आलू है मेरे पास, और फ्रेंड्स एक कप ये बेसन है, एक कटोरी मैंने आटा लिया है, बिल्कुल नॉर्मल आटा जो हम घर में इसकी खाना बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं, वही आटा है। और फ्रेंड्स एक चॉप की हुई मैंने ये प्याज ली है। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने फिलिंग के लिए इसमें कुछ हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, लहसुन की कुछ कलियां, इसमें थोड़ा सा पुदीने के सूखे हुए पत्ते थे, और इसमें मसाला, खड़ा मसाला थोड़ा सा पीस लिया है, अच्छे से नमक डाल के इसका पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैंने 1 स्पून इसमें अजवाइन ली है, हींग है ये। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसा अपना बैटर और ये सारी फिलिंग रेडी करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रोसेस की ओर अपने। फ्रेंड्स ये आलू के पकौड़े खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाय के साथ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप बनाना जरूर आप, ये बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही, एक बार बच्चे खाएंगे तो इसके फैन हो जाएंगे। अब बड़ा मज़ेदार बन के रेडी होता है, ये हमारी फीलिंग रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं अगली प्रोसेस की ओर, इसके लिए एक बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए वही बेसन है जो हमने लिया था उस समय, बता रहे थे आपके लिए, और हमें इतना ही ये चाहिए था बैटर बनाने के लिए, जो बच्चों के बड़े मन को भाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सभी के लिए, जिसे खा के ही बच्चों के लिए मजा आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, अगर आपके घर में सोडा हो, मीठा सोडा, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं बिना मीठे सोडे के ही बनाऊंगी इससे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके अपना परफेक्ट पेस्ट बना के रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इस तरीके से हमें मिठाई चाहिए था। तो देखिए ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है, पर हमने ये थोड़ा सा ऑयल लिया है इस कटोरी में, क्योंकि ये इससे चिपकेगा नहीं, और इससे छोटी छोटी इस तरीके से गोलियां पहले ऑयल लगाएंगे, तो इस तरीके से बना बना के हम अपनी ये इतनी बड़ी बड़ी इस तरीके से रख लेंगे यहाँ इस प्लेट में, जब तक हमारा वो ये देखिए मैंने सभी की गोलियां अच्छे से बना ली हैं इस तरीके से, और ये तलने के लिए चलते हैं अब हम। तो देखिए इस तरीके से डिप करना है, अच्छे से राउंड वाइज राउंड करना है, और ये फाइल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसी के लिए समझते के लिए इसी की छोड़ेंगे। ये देखिए सभी के लिए ऐसे ही उठाएंगे इस तरीके से, जो हमने पहले से तैयार कर रखी थी, इसकी गोली इस तरीके से छोड़ते रहेंगे फटाफट फटाफट। हमारा इतनी जल्दी से नाश्ता बनके रेडी होने वाला है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से दोनों साइड से सिक चुका है, अब हम ये इसमें निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए बनके मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, ये देखिए चलते हैं इसका मजा लेने के लिए, इसको सुबह सुबह का नाश्ता। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी नाश्ता बनाने की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई डिश के साथ। धन्यवाद।